साल 2010, ये घटना है कनाडा की, जहां पर एक लड़का जिसका नाम था पॉल, वो रात को 1 बजे अपने अपार्टमेंट लौट रहा था। वो एक शॉपिंग मॉल में जॉब करता था। रात काफी हो चुकी थी, वो हेडफोन पर गाने सुन रहा था और गाना गुनगुनाते हुए उसने सीटी बजानी शुरू कर दी और उसके बाद उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, पॉल के साथ एक्चुअली में आगे क्या हुआ ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन जैसे इंडिया में ये मानते हैं कि रात के समय अगर कोई आपका नाम बुलाता है, कोई पीछे से आपको आपका नाम लेकर आवाज लगाता है, तो आपको मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि कभी कभी इविल स्पिरिट या बुरी आत्माएं भी आपके साथ ये खेल खेल सकती हैं, और अगर आपने पीछे मुड़कर गलती से देख लिया तो हो सकता है कि वो बुरी आत्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लें, आपको पजेस्ट कर दें। लेकिन ये वाली जो मान्यता है ना, ये जो सुपरस्टिशन है ना, ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता। कहा जाता है अगर आप घर में अकेले हैं, आपके घर में कोई नहीं है या आप किसी सुनसान जगह पर हैं, तब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पहले से ही मालूम है कि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां पर कोई आपको बुलाने वाला नहीं है और फिर भी कोई अगर आपका नाम लेता है, तो आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक इसी तरह की एक और मान्यता है जो पूरी दुनिया भर में मानी जाती है, वो ये कि रात के समय कभी भी सीटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करने पर इविल स्पिरिट आपको हॉन्ट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीटी बजाने वाले इस सुपरस्टिशन के पीछे का रहस्य, इसका पूरा सच खोलकर रख देंगे कि वाकई में कोई शैतानी आत्मा आपको पजेस्ट करती है या फिर ये एक अंधविश्वास है। क्या इस अंधविश्वास और मान्यता के पीछे कोई विज्ञान है या फिर ये लोगों के द्वारा उड़ाई गई केवल एक मनगढ़ंत कहानी है? और हाँ, साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर पॉल के साथ उस रात को क्या हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आप रात को कभी सीटी नहीं बजा पाओगे, क्योंकि आप भी समझ जाओगे कि कहीं सीटी बजाने के चक्कर में बैंड ना बज जाए। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रात के समय सीटी बजाना बैड लक माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से डेविल आपके पीछे लग जाएगा। लेकिन ब्रिटिश कल्चर में कहानी कुछ और ही चल रही है। इस कल्चर के अनुसार 7 whistlers या 7 mystical birds जो मौत को बुलावा देते हैं, वो आपके पीछे लग सकते हैं। फिलीपींस और मैक्सिको में ये माना जाता है कि रात के समय अगर आप सुनसान जगह पर सीटी बजाते हो तो स्किन वॉकर आपके पीछे लग सकता है और ये आपको मारकर आपकी जगह ले लेगा, क्योंकि ये आपका रूप ले सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक मान्यता तो ये है कि रात को 12 से लेकर 5 के बीच में अगर कोई बंदा सीटी बजाता है तो उसका सामना होता है रिपीटर से। ये रिपीटर भी स्किन वॉकर की तरह ही होता है। सीटी बजाने से ये आपके पीछे लग जाता है और जिस दिन से ये आपके पीछे लगता है, आपका बैड लक शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको पता लगाना है कि आपके पीछे रिपीटर लगा है या नहीं, तो जब आप रात में सीटी बजाते हो और आपको अपनी ही सीटी की आवाज वापस सुनाई देने लग जाए, तो समझ जाओ कि आपके आसपास रिपीटर मौजूद है और ऐसा होने पर आपको सीटी बजाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये तो थी दुनिया भर की मान्यताएं, लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर कनाडा में रहने वाले पॉल के साथ उस रात को क्या हुआ था। तो भैया, पॉल जब रात को जा रहा था, सीटी बजा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तब स्किन वॉकर को लग गई मिर्ची। अरे मैं मजाक कर रहा था। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गोविंदा। उस रात को जब पॉल जा रहा था, तो बेसिकली उस रात को पॉल को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी आवाज को रिपीट कर रहा है। जब पॉल ने पीछे पलट कर देखा, तो उसको बिजली के खंभे के नीचे एक काली सी आकृति, एक अजीब सा क्रीचर खड़ा दिखाई दिया। वो भी पॉल की तरह सीटी बजा रहा था। पॉल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट लाइट्स एकदम से बंद हो गई। हर जगह अंधेरा छा गया। पॉल समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वो तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने अपार्टमेंट से काफी नजदीक था। पॉल दौड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर आया और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। वो काफी ज्यादा हांफ रहा था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि एक्चुअली में वो काला सा क्रीचर, वो अजीब सी शैडो किसकी थी। पॉल को ये भी नहीं पता था कि ये आखिर उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ये सीटी बजाने वाले सुपरस्टिशन के बारे में नॉलेज नहीं था। थोड़ी देर बाद पॉल ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो बाहर कोई भी नहीं था। उसने चैन की सांस ली और वो सो गया। अगले दिन उसके साथ ये जो घटना हुई थी, उसने सोशल मीडिया पर सबके साथ शेयर की। तब कमेंट से उसको ये पता चला कि रात में सीटी बजाने की वजह से उसके साथ ऐसी घटना घटी थी। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब काफी ज्यादा दिन हो गए और लोगों को शक हुआ कि पॉल आखिर जॉब पर क्यों नहीं आ रहा है, तब उसके साथ काम करने वाले उसके कलीग्स और उसके फ्रेंड्स ने उसके अपार्टमेंट में जाकर देखा, तो वहां पर कोई भी नहीं।
था। उस दिन के बाद से ही पॉल लापता था। हालांकि पुलिस ने पॉल को खोजने की काफी कोशिशें की, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर उस रात के बाद पॉल कहां गायब हो गया, आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्या वाकई में ये रात को सीटी बजाने वाला सुपरस्टिशन और स्किन वॉकर वाली बातें सच है, क्या वाकई में पॉल के ऊपर किसी रिपीटर ने हमला किया था। देखो ये घटना काफी ज्यादा क्रीपी है, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअली में पॉल के साथ क्या हुआ, बाद में पॉल का कुछ पता चला भी या नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या वाकई में ये सीटी बजाने वाला कोई सुपरस्टिशन था, क्या वाकई में इस दुनिया में स्किन वॉकर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अच्छा एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर वाकई रात में सीटी बजाने से कुछ गड़बड़ होती तब तो फिर इस दुनिया के सारे चौकीदारों को मर जाना चाहिए था। आखिर ये स्किन वॉकर रात में सीटी बजाने वाले चौकीदारों को कुछ क्यों नहीं करते। एनीवे ये तो थी मजाक की बात, अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक की बात कि बेसिकली ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मान्यता है, इसके पीछे का ओरिजिन क्या है। देखो ऐसा माना जाता था पुराने जमाने में कि रात के समय अगर आप सीटी बजाते हो या कोई ज्यादा तेज आवाज करते हो जो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है, तो ये आपके दुश्मनों को और जंगल में घूमने वाले प्रीडेटर्स को आपकी लोकेशन बता सकती है। और इसीलिए ये मान्यता चली आ रही है कि रात के समय ज्यादा तेज आवाजें नहीं करनी चाहिए, खासकर सीटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि सीटी की जो साउंड होती है ना वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो ये जो सुपरस्टिशन है ना, ये इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उनकी भूतों से रक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी जानवरों से, शिकारियों से रक्षा के लिए बनाया गया था। पुराने जमाने के सैनिक भी इस बात को ध्यान रखते थे कि रात के समय वो कोई ज्यादा तेज आवाज नहीं करते थे, ताकि रात के समय दुश्मनों को उनकी लोकेशन के बारे में पता ना चल सके। लेकिन समय के साथ साथ ये मान्यता अपना रूप बदलती गई, लोगों ने इसके साथ बहुत सारी कहानियां जोड़ दी, और आज के समय में ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा जैसे एडवांस देश इस तरह के अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। ये लोग मानते हैं कि रात के समय सीटी बजाने से बैड लक आता है। सोचिए ये लोग खुद इतने अंधविश्वासी हैं और ये इंडियंस को अंधविश्वासी कहते हैं। एनीवे दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी मान्यता होना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, बस कभी कभी लोग हमको उस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। अगर आपको रात के समय आपके पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने कभी सीटी बजाने से टोका है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ मैं तो यही कहूंगा कि तुम कभी ये काम ट्राई मत करना, कभी रात को सीटी बजाकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है डेविल तुम्हारे पीछे पड़े या ना पड़े, लेकिन पड़ोसी की अगर नींद खराब हो गई तुम्हारी सीटी से तो तुम गालियां जरूर खाओगे। और हाँ ये जो पॉल के साथ घटना घटी थी ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। जब इस घटना की जांच पूरी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पॉल का हुआ क्या, तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अभी तो फिलहाल बस इतना ही कह सकता हूं कि भैया रिस्क मत लो, क्या पता स्किन वॉकर सच में रात को घूमता हो और आपके सीटी बजाने का इंतजार करता रहता हो। यार बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक जरूर करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना फाड़ू गैंग के साथ। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। और हाँ आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब भी मैं कभी बाइक से निकलता हूँ अपने शहर में और कोई स्कूल बस या स्कूल की वैन मेरे आगे चल रही होती है तो बच्चे पहचानने के बाद मुझे बड़ा हल्ला मचाने लग जाते हैं। पूरी की पूरी स्कूल बस में से हाय और हेलो की आवाजें आने लगती है, बच्चे ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लगते हैं। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भैया, मुझे भी अच्छा लगता है और ऑलमोस्ट हर बार मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, हाय हेलो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान गाड़ी चलाने में रहता है। यार मुझे आज के वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा मेरे वीडियोस देखते हैं। तो चलो टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखो अपना, रात में टाइम से सो जाना नहीं तो स्किन वॉकर आ जाएगा। मिलते हैं अगले एक और, खैर कितनी बार बोलूंगा मैं लाइन, टेक केयर गुड बाय।